ये उन दिनों की बात है। नैना बेटा टीवी की आवाज कम कर ले, नहीं तो तेरी ताई जी सुन लेंगी। मम्मी अब उसे कुछ सुनाई नहीं देने वाला, वो अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी है। चांद को रोक लूं मैं, चांद गुस्ताखिया जो करे, वक्त को थाम लूं मैं, रात का ये समा अब्र का कारवा, संग इनके बने अपने दास्तां, बदमाशिया हल्के करे परछाइयों से मेरे मेरा महबूब, मेरे होठों की लर्जिश है मेरा महबूब, और मीठी सी खलिश है मेरा महबूब, सरगोशियां चुपके करे दस्तक सी दे दिल पे मेरा महबूब। आमिर खान में अपने सलमान महेश्वरी को ढूंढ रही है ना? यहाँ एक तरफ एक हिंदी फिल्म का चैप्टर खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ समीर की जिंदगी में इंग्लिश फिल्म का चैप्टर शुरू होने वाला था, और हम दोनों इस बात से अनजान थे कि हमारी जिंदगी भी फिल्मों की तरह रोमांचक होने वाली थी। अब तो आपको यकीन हो गया सर कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन राकेश जी, पर सबूत आपके सामने पड़ा हुआ है, पर आप लेकिन किंतु परंतु कर रहे हैं। अच्छा एक काम करिए, शांति मैडम को बुलवाइए, अब सच्चाई उनके मुंह से ही सुनेंगे हम लोग। जी सर। शांति मैम को बुलाइए। मैं कम इन सर? हाँ यस कम इन। आपने बुलाया सर? आप सब क्या है ये? मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानती हूं और तुम्हारे हाथ की लिखाई को भी। देखा सर, देखा इनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया अपना ये प्रेम पत्र देख के। एक मिनट, सबको सुनाता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना प्रिंसिपल साहब ये स्कूल का पूरा माहौल बिगाड़ रही हैं। इससे पहले कि बच्चों पे इसका बुरा असर पड़े निकाल दीजिए इन्हें। अरे राकेश जी इस पे किसी का नाम तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पागल दिखता हूं क्या मैं? हाँ अरे पूछिए इनसे, इन्होंने ये चिट्ठी डस्टबिन में फाड़ के फेंका था कि नहीं, पूछे 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 पूछे। शांति जी सच सच बताइए, क्या ये लेटर आपने लिखा है? बोलिए शांति जी, जवाब दीजिए। नैना तू पागल है क्या? मैं बस बाहर पीसीओ तक जाने की तो बात कर रही हूँ,
नैना, लेकिन हम स्कूल से भाग नहीं सकते। मुझे ना मुन्ना पंडित की बहुत टेंशन हो रही है, वो बेचारे इतना दूर गए हैं। यहाँ नैना, लेकिन अगर तू ऐसे स्कूल से भाग कर किसी को फोन करने जाएगी और किसी को पता चल गया तो बहुत बुरी टेंशन खड़ी हो जाएगी। नैना, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। तू थोड़ा सब्र रख ले, अभी समीर भी स्कूल गया होगा, तू कैसे बात करेगी? हम स्कूल के बाद चलेंगे ना, मैं भी तेरे साथ चलूंगी बस। हाँ समीर, रोहन, तुम लोग कैसा लग रहा हूँ मम्मा? समीर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, लेट हो जाएंगे बेटा। मम्मी मैं एक मिनट, मैं देखती हूँ। तुम ये वाला पहनो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। जाना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स जाना जरूरी है, क्यों नहीं जाएंगे मम्मा? लेकिन दादी का प्रोग्राम ऐसे अचानक कैसे बन गया? उनके एनजीओ के प्रोग्राम्स ऐसे अचानक ही बनते हैं। लो पहनो इसे। मम्मी मैं क्या करूंगा, ना मैं जानता हूँ किसी को ना पहचानता हूँ, बेवजह। हाँ आओगे जाओगे, लोगों से मिलोगे, तभी तो पहचान बढ़ेगी ना। और वैसे भी ये दिल्ली की पहली पार्टी होगी तुम्हारी। मुझे तो दिल्ली की पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ इतने फ्लैशी और लाउड कपड़े पहनती है कि पूछो ही मत। वैसे तुम्हारे यहाँ की समीर, बहुत सिंपल लेकिन फिर भी बहुत सुंदर। उस दिन देखा था ना नैना को। समीर, नैना वो अर्जुन की बहन, मैं उनके घर गया था ना कुछ दिन के लिए, आपको बताया था ना? ओ हाँ याद आया। विशाखा जी अभी आई। लो इसे पहन लो। हाँ और जल्दी तैयार होके आना, लेट हो जाएंगे। लेट हो रहा है बेटा, पिटाई होगी तुम्हारी। हम यहाँ दीपिका, क्या मस्ती कर रही है? अब मेरी बच्ची लग रही है बिल्कुल परीचश। थैंक यू मम्मा। वेलकम बेटा। और परी के पापा एकदम दैशी। हस्बैंड किसका है? पापा। वेरी गुड वेरी गुड। हाय, मेरे दीपिका और रोहन आज इतने प्यारे लग रहे हैं दादी। चलो चलो देर हो रही है। हाँ हाँ चलो चलो। मैं बीच में बैठूंगा। अब मैं मम्मा के पास। हाँ हाँ मेरे पास ही बैठना, आ जाओ। हाँ हाँ मम्मा के पास बैठना, मम्मा को सताना जो है। समीर एक मिनट सुनिए ना, आप ड्राइवर को रहने दीजिए, आप गाड़ी चलाइए, समीर बगल में बैठ सकता है फिर। अरे विशाखा बेटा तुम भूल रही हो, बॉबी को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। हाँ। और जाना भी तो फरीदाबाद है, अगर पास में होता तो वो चला लेता। अरे लेकिन समीर को यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है मेरी जगह समीर चला जाएगा। अरे बॉबी मिसेस डिलन को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। मम्मी जी। माँ आप कहाँ जा रही हैं? मिसेस डिलन आपकी दोस्त है, आप नहीं जा सकती, आप बैठिए। मम्मी मम्मी आप लोग जाइए ना प्लीज, मेरा वैसे भी दिल नहीं कर रहा है। बेटा इस फंक्शन में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो कार भेजकर इन्हें स्कूल से जल्दी बुलवाया है। अरे कह रहा है तो मान जाओ ना, वैसे मिसेस डिलन ने मुझे और मेरी फैमिली को इनवाइट किया है। मम्मी जी केशव भी घर पर नहीं है, हमारे आते आते शाम को देर हो जाएगी, ऐसे में समीर को अकेले घर में कैसे छोड़ सकते हैं? अरे कोई बच्चा थोड़ी ना है, है ना बेटा समीर? मम्मी आप जाइए ना प्लीज। नहीं बेटा प्लीज मम्मी जाइए ना। ड्राइवर चलो लेट हो रहा है। चलो ड्राइवर।
आज फोन पे लॉक नहीं लगा। हेलो हेलो हसमुख भाई हैं? भगवान झूठ ना बुलाए, रॉन्ग नंबर है। पता है मुझे। हेलो हेलो दुल्लू। अब एक्सेप्ट मारना यार। नहीं नहीं यार, तुम लोग पियो। अरे क्यों घबरा रहा है इतना? घर वाले घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। अबे इसे छोड़, तू ये पकड़। अरे हाय मेरी इंग्लिश परियां। यार फिल्म में छोड़ो ना, हम बातें करते हैं ना। बातें बेटा, एक बार पिक्चर शुरू होने दे, फिर तू बातों का नहीं रंगीन रातों का इंतजार करेगा। मना लो बच्चों पार्टी, अभी पीसीओ पे जाके मालकिन को फोन करता हूँ और बताता हूँ क्या अय्याशियां चल रही हैं। अबे टुल्लू इसे देखता रहेगा, लगाएगा भी। लगाना यार। मैं उस दिन की अपनी हरकत के लिए अकेलेपन और बोरियत का बहाना बना सकता हूं, लेकिन वो पूरा सच नहीं होगा। मैंने क्या सोचकर टुल्लू और उसके दोस्तों को घर बुलाया था? क्या लगा था मुझे कि वो घर आकर भजन कीर्तन सुनाएंगे? क्यों कर रहा था मैं वो सब? दादी से तंग आकर या दादी को तंग करने के लिए, या दिल्ली के लड़कों पर अपना रुआब झाड़ने के लिए? बहाने खत्म हो रहे थे मेरे, संभालने वाले कंधों की सख्त जरूरत थी। कौन? हमें क्या पता कौन, हम कोई ज्योतिषी थोड़ी ना है। तुम लोग सब चुप रहना और ये बोतल हटाओ यहां से, मैं देखता हूं कौन है। लोग बरसों तपस्या करते होंगे तब भी शायद इतनी जल्दी मदद नहीं आती होगी जितनी जल्दी मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। मैं सोचा करता था कि भगवान का भेजा फरिश्ता इंसान जैसा नहीं दिखता होगा, वो शायद चमकता होगा। पर किसे पता था कि काले चिपके बाल और सादी सी शर्ट में मेरा फरिश्ता आएगा मुझे बचाने, जो मुझे हंसाएगा भी और पश्चाताप के आंसू भी रुलाएगा। मुन्ना, तू तू यहाँ कैसे? ट्रेन से आया, अकेले आया मैं। अकेले? पर पंडित कहाँ है? पता नहीं। मतलब? मतलब मतलब ये तेरी चिंता सिर्फ मुझे है, इसलिए मैं अहमदाबाद से दिल्ली आ गया। तू तू मजाक कर रहा है। अब पंडित पंडित। अरे सही कह रहा हूँ भाई, मैं अकेला आया हूँ। अंकल आंटी ने तुझे अकेले कैसे आने दिया? मैंने उनसे झूठ बोल दिया, कह दिया अब पंडित मेरे साथ जा रहा। खैर वो सब छोड़, तू बता कैसा है? अरे आंखें तरस गई थी तुझसे मिलने के लिए यार। आ जा, तुझे अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। दोस्तों ये मेरा जिगरी यार मुन्ना, और मुन्ना ये मेरे दोस्त हैं, ये टुल्लू, हाय फिरोज, हाय अमित, हाय मुन्ना। बढ़िया भाई, तूने नए दोस्त बना लिए, लेकिन तेरे जाने के बाद हमने नए दोस्त नहीं बनाए। अरे जो था वो भी छूट गया। अरे वो रिक्शा वाला होगा, छुट्टे नहीं थे ना, अठन्नी छूट गई उसकी, तो अठन्नी मांग रहा होगा। कोई बात नहीं, तू आराम से बैठ, मैं देखता हूँ। टुल्लू टीवी ऑन करना। करना यार। कौन? कैसा है? एकदम बढ़िया। पता था कि तू और मुन्ना साथ ही आए होगे। मुन्ना भाई है ना जबरदस्त। आजा। मुन्ना मुझे पता था तू ड्रामेबाजी कर रहा है, तू अकेला आ ही नहीं सकता, तू और पंडित साथ आए होंगे मुझे पता था। नहीं समीर, हम दोनों।
गवर्नमेंट रूम में चलेगा? क्या हुआ? जरूरी बात करनी है तेरे से। मुन्ना पंडित, क्या हुआ यार? ऐसे अंदर बुलाया, सब ठीक तो है? ठीक है ना यार, अब ये सब अहमदाबाद में तो कर नहीं सकता। और पता है तुम दोनों को, ये मेरे दोस्त है ना, ये बहुत अच्छे हैं, इनकी दिल्ली में बहुत चलती है। उसके बाद बाहर खाना खाने जाएंगे, तुम लोग देखना दिल्ली की चमक से ना तुम लोग की आंखें खुल जाएंगी। खुल जाएंगी नहीं, खुल चुकी हैं समीर। कुछ समझा नहीं? पागल हो गया? नहीं, तेरा पागलपन दूर कर रहा हूँ। तू अपने दोस्त पे? दोस्त मत कहियो मुझे। अरे दोस्ती तो तू तोड़ चुका है ऐसे गंदे काम कर कर। अरे भरोसा तोड़ा है तूने नैना का और उसके प्यार का। वो बेचारी तुझसे किया हुआ वादा निभा रही है और तू उसके वादे के साथ साथ उसका भरोसा तोड़ रहे। जब से तू यहाँ आया है मेरी और इसकी बात नहीं हुई है, लड़ाई हो रखी है हमारी, वो भी तेरी वजह से। ये अब समझ में आया, इसे और मुझे नैना का यहां भेजने का प्लान था ताकि हम अपने पक्के दोस्त से मिलकर फिर से दोस्त बन जाए। लेकिन यहां आकर देखा पक्का दोस्त तो खो चुका है और उसकी दोस्ती भी। चल पंडित। मुन्ना सुन, पंडित पंडित सुन, नैना के प्यार की निशानी हम अपनी इस जुदाई को यादगार बना देते। तुम वहां पर एक गुलाब का पौधा लगाना और मैं यहाँ पर। हम उन गुलाब के पौधों से अपने मन की बात कहेंगे और जब उन पौधों में फूल आएंगे ना तो वो हमारी इस जुदाई पर प्यार की जीत होंगे। तेरा फूल कहाँ समीर? मुजरिम नहीं हूँ मैं, हूँ रह गुजर तेरा। मुजरिम नहीं हूँ मैं, हूँ रह गुजर तेरा। तेरे मेरे दरमियाँ हुई है सदियों की दूरियाँ। सीख समीर, अगर ख्याल ना रखा जाए तो सिर्फ फूल ही नहीं रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, मैं एकदम से अकेला हो गया था। नाना जी के बगैर, तुम दोनों के बगैर और नैना के बगैर दिल्ली आने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं किससे दोस्ती कर रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, किसके साथ उठ रहा हूँ, किसके साथ बैठ रहा हूँ, कुछ भी नहीं। और तो मैंने नैना से भी झूठ बोला कि मैं। यार हो सके तो मुझे माफ कर देना। समीर, अरे यार फिक्र मत कर समीर, अब ठीक हो जाएगा यार।
अरे गलती हर इंसान से होती है। ठीक है तुम दोनों, मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है मुझसे, लेकिन इस गलती को मैं ठीक करूंगा अभी और इसी वक्त। चल रहा था, टीवी चालू कर यार दोबारा। तुम लोग जाओ यहाँ से। अबे अब तुझे क्या हुआ? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। अबे दौरा वाला तो नहीं पड़ गया तेरे को? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, ये ले एक घूंट मार, दिमाग भी ठीक हो जाएगा और मूड भी ठीक हो जाएगा। ले। मेरा दिमाग भी ठीक है और मूड भी। मैंने कहा ना तुम प्लीज जाओ यहाँ से। इन बच्चों ने चाबी भरी है ना तेरे अंदर, तभी तू ऐसे फट्टू की तरह बातें कर रहा है। बेटा तुम लोग अभी दिल्ली नए नए आयो, यहाँ तो यही सब चलता है। उन दोनों को कुछ मत बोलना। दिल्ली वालों को ना दिल भी बड़ा होता है और कान्ना में भी। तुम जैसे छोटी सोच और छोटे शहर के लोग। अरे चुप! मैंने कहा ना उन दोनों को कुछ मत बोलना, दोस्त है वो मेरे। हाँ हाँ हम तो दुश्मन है तेरे। अबे छोड़ना टुल्लू इसे। अरे हम तो इसे मर्द बनाना चाहते थे और ये लड़कियों की तरह। क्या बोला तूने? मर्द? मर्द का मतलब भी बताया तुझे? मर्दानी लड़कियां छेड़ने में नहीं, उनकी इज्जत करने में होती है। किसी कमजोर को मारने में नहीं, उसकी मदद करने में होती है। और ये जो तुम लोग करते हो ना दारू पीने फिल्में देखना, इसे मर्दानगी नहीं कहते, चीपनेस कहते हैं। तो शर्म आती है कि तुम जैसे छोटी सोच वालों को मेरे चुप चुप। क्या बोल रहा था? छोटा शहर छोटी सोच। अबे तेरी हूँ तू 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 कर दूंगा मैं। अब देख तीन अहमदाबादी तुम्हारी ये गंदी सोच और ये शक्ल कैसे बदलते हैं। चुप! अरे रे रे रे, पहले गिरा हुआ है भाई, और कितना गिरेगा। बहुत बोल रहे थे ना फिल्म दिखाओ फिल्म दिखाओ। पंडित कैसे निकाल? समीर 100 नंबर पे फोन लगा, पुलिस पे पकड़वाते हैं। देख लेंगे तुझे, बहुत उड़ रहा है ना। चल फिल्म देखेंगे। ऐसा लगा था उस समय कि जैसे किसी घुटन से बाहर निकल कर आया था मैं। कई दिनों बाद खिलखिला कर हंस रहा था उनकी वजह से, अपने जिगरी यार मुन्ना पंडित की वजह से। उन्हें देखकर तो अपनी किस्मत पर घमंड हो रहा था मुझे। ऐसे चिपकू और घुंघराले बाल वाले फरिश्ते भगवान सबको दे। लगता है फिर से आ गए। लगता है समीर पिट के ही मानेंगे। चलो आ जाओ, पकड़ 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 पकड़। रुको, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.